नमस्कार दोस्तों, भारतीय किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे पंजाब का माँ छोले दाल। दाल बनाने के लिए आधा कटोरी हम चने के दाल ले लिए हैं और आधा कटोरी उड़द के दाल, और एक बाउल में मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरह से धो लेंगे। तो देखिए धोल के तैयार हो गया है। अब एक कुकर में हम इनको डाल के सीटी लगाएंगे। यहीं पर हम 2 गिलास पानी डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक, और इनका ढक्कन लगाकर 4 सीटी लगा लेंगे। हम सीटी लगाएंगे और सीटी लग रहा है तब तक हम तड़का काट लेते हैं। तड़के के लिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 4 कली लहसुन, 1 इंच अदरक। प्याज को बारीक काट लेंगे। तो 4 सीटी लग गया है, अब हम देख रहे हैं। 4 सीटी लग गया है तो हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए हमारा दाल गल गया है, बढ़िया से गल गया है। अब कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल डाल के गरम करेंगे, आधा चम्मच जीरा, 1 पिंच हींग डालेंगे और इनको ब्राउन कर लेंगे। और यहीं पर हम प्याज डालेंगे, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, और इनको मिक्स कर लेंगे। मिक्स कर करके हम ब्राउन कर लेंगे। तो देखिए ब्राउन हो गया है। और यहीं पर हम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा पाउडर। अब इनको भी हम मिक्स कर लेंगे। और यहीं पर हम टमाटर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान से दाल में भी हम डाले हैं नमक, और थोड़ा सा पानी डालेंगे और ढक के हम इनको पका लेंगे। तो देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब यहीं पर हम उबले हुए दाल डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। यहीं पर हम 1 कटोरी पानी डालेंगे। दोस्तों ये दाल बहुत बढ़िया बनता है, एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो देखिए बनके तैयार हो गए हैं दाल। अब इनको 1 मिनट के लिए हम ढक देंगे। उबाल आ गया है दाल में। अब ऊपर से धनिया पत्ते डालेंगे। अब इनको मिक्स कर देंगे। अब हम सर्व करेंगे रोटी परौठे के साथ। सर्व करिए, बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।